शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है, इस शादी को बाद में कर लेना। जो मोड़ तेरे सिर पे रखा हुआ है इसे खूंटी से टांग दे और पहले अपने मामा की कैद को छुटा कर खिला। मेहरबानो, अब तो आंखों में खून उतर आता है, लहू उतर आता है, जोश भर जाता है पूरे शरीर में। मोड़ को उतार करके खूंटी से टांग देता है और हाथ में तलवार ले लेता है। प्रेमी साथियों, जब बादल इस तरह से रण की तैयारी करने लगा, बादल की माँ सामने खड़ी हो जाती है। रण्यू कहने लगी, रे बादल, तू किसको छुटाने के लिए जा रहा है? जिस भीम सिंह को तू मामा कहता है, याद कर उस दिन को, उस भीम सिंह ने तेरे पिता की हत्या की थी। मेहरबानो, खड़ा का खड़ा रह जाता है वो बादल। कहने लगी, अरे मेरे तो माथे में एक तू ही आंख है, इकलौता तू पुत्र है मेरा, मुझे पता है मैंने रंडापा कैसे कैसे काटा है, तुझ पर आस की थी और तू भी आज उसी भीम सिंह के चक्कर में जा रहा है। अरे उसने पहले तेरे पिता की हत्या की, आज वो तुझे मरवाना चाहता है, मेरे लाल मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेहरबानो, अपने माँ के ऐसे शब्दों को सुनकर के बादल हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ है और माँ को समझाने लगा, माँ आज बात मेरे मामा की नहीं है, बात मेरे रिश्तेदार की नहीं है, बात है आज मेरे धर्म की। अगर मेरा मामा किसी हिंदू की कैद में पड़ा हुआ होता, मैं शौक से शादी रचाता, लेकिन आज मैं अपने मामा की कैद को जरूर छुटा करके लाऊंगा। एक खिलजी की कैद में मेरा हिंदू, मेरा मामा उस कैद में हुआ है, मैं उसे छुटा करके जरूर लाऊंगा। किस तरह से अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इस शादी की रस्म को आकर के निभाऊंगा, अगर जिंदा रहा तो पहले अपने मामा की कैद छुटाऊंगा। और क्या कहने लगा, बोला और छोड़ूंगा मामे, और ये सफर सुहाना, और छोड़ूंगा मामे सफर सुहाना, छोड़ूंगा मामे सफर। खिलजी की बद फैली नहरी, खिलजी की बद फैली नहरी, मैं छुड़ा के रहूंगा, खिलजी की बद फैली नहरी, मैं छुड़ा के रहूंगा। और वीर है भतेरे उसको समर में कहूंगा, और वीर है भतेरे उसको समर में कहूंगा। अरे कत्ती ना सहूंगा बुलाया है, मुझे पुकारा है तेरी जन्मभूमि ने, और अगर मैं आज नहीं गया तो तेरा दूध लज जाएगा। मां किस तरह से केस समझाने लगा, और तेरी जन्म है भूमि ने मां
को पुकारा तेरी जन्म भूमि ने माँ मुझे को पुकारा और हिंदू कुल की मर्यादा में मुझे ललकारा हिंदू कुल की मर्यादा ऐसी ऐसी पतिव्रता ऐसी ऐसी सती पैदा हुई और आज एक पतिव्रता औरत ने अपने धर्म को बचाने के लिए मुझे बुलाया है तो मेरा धड़ सर से अलग क्यों नहीं हो जाए लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। किस तरह से समझाने लगा माँ अगर मेरा मामा किसी हिंदू की कैद में होता तो मैं शौक से शादी करता लेकिन बात आज धर्म की है किस तरह से ये कर रहा हिंदुओं की कैद में जो होता मामा मेरा और हिंदुओं की कैद में जो होता मामा मेरा और शादी को जाता री माता बांध के न सेहरा और शादी को जाता री माता बांध के शेर है मेरा बादल शेर है लेकिन आज अगर मैं वहां नहीं गया तो कल को तेरी भावज को पठान उठा करके ले जाएंगे तेरा छत्रापण कहां रह जाएगा जब दुनिया तुझ पे थू थू करेगी कहां गया तेरा शेर। किस तरह से लास्ट बात में समझाने लगा और के कहने लगा बोला वीर सिंह उल्हाड़ा देंगी तुझे यानी शानी और वीर सिंह उल्हाड़ा देंगी तुझे यानी शानी तेरी भावज ने पठान लेके पानी छतरा